नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉस्मिक फोरम बाय लक्ष्मी नारायण पर। लक्ष्मी नारायण मैथ्स फैकल्टी हमारा फेसबुक पेज है। हर तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस पेज को लाइक कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि लास्ट के वीडियो लेक्चर में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे, आज मैं आपके लिए और बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लेके आया हूँ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर, जो की सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छे से करने हैं। इसका आइडिया आपको उससे भी लगेगा कि जब आप उस क्वेश्चन को देखोगे और पिछले सालों के क्वेश्चन देखोगे तो आपको सेम क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। ठीक है, एग्जांपल 11 है ये। कहते हैं 1 प्लस का टेन वाई डी एक्स माइनस डी वाई प्लस का 2x डी वाई इज इक्वल टू जीरो, और साथ में ये भी लिखा है कि x मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोगों को सॉल्व करना। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि बहुत सारे लोगों को यह समझ नहीं आता कि ये कौन सी फॉर्म है। या तो ये वाली फॉर्म है dy by dx plus का py is equal to q, जहां पे p और q दोनों के दोनों x के फंक्शन होते हैं, और या फिर dx by dy plus का px this is equal to q, जहां पे p और q दोनों के दोनों y के फंक्शन होते हैं या कांस्टेंट होता है। ऐसे ही बताया था। आप इसको ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ध्यान से देखूंगा तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में मुझे x तो नजर आ रहा है लेकिन मुझे अकेला y नजर नहीं आ रहा है, जिसके बेस पे मैं कहूं कि y के सामने जो भी लिखा है वो हमारा p है। तो कहने का मतलब है ये वाली फॉर्म तो हमारे पास नहीं बनने वाली है, जो भी बनेगी वो ये वाली फॉर्म बनेगी। तो इसके लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, dx by dy निकालना पड़ेगा। चलिए dx by dy निकालते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई सबसे पहले इससे करेंगे, तो हमारे पास आएगा 1 प्लस का टेंजेंट y और साथ में लिखेंगे dx, इसको लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 1 प्लस का टेंजेंट y और साथ में dy, ये हमारे पास आएगा 2x dy this is equal to 0, ऐसा बन जाएगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं 1 प्लस का टेंजेंट y और साथ में dx, जब ये सारा उधर जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस का टेंजेंट y और माइनस का 2x, दिस विल बी क्या बनेगा, dy बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने यहां से dx by dy बनाया, ये 1 plus tangent y नीचे जाएगा। जब ये 1 plus tangent y नीचे जाएगा तो आप ऐसा करना, 1 plus tangent y के नीचे 1 plus का tangent y कर लिया, ठीक है, और माइनस का 2x डिवाइड बाय 1 plus का tangent y कर दिया। ठीक है, तो ये से कैंसिल हो जाएगा और जब ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं dx by dy this will be plus का 2 divided by 1 plus का tangent y और साथ में x, और इसको लिखूंगा तो 1, so this will be dx by dy plus का py this is equal to q। तो जब मैं यहां से p देखूंगा तो p की वैल्यू आएगी 2 divided by 1 plus का tangent y, और जो q हमारे पास है वो equal to 1 है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर में लिख सकते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिस विल बी इंटीग्रेशन में हमारे पास आएगा p ऑफ dy, ऐसा बन जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं e की पावर इंटीग्रेशन में 2, इसको sin by cos में तोड़ सकते हैं टेंजेंट को, तो sin y by cos y और साथ में dy, तो नेक्स्ट स्टेप में ये cos y एलसीएम लेके ऊपर चला जाएगा, तो 2 cos y डिवाइड बाय cos y प्लस का sin y और साथ में dy। ठीक है जी, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस 2 cos y को तोड़ के लिखेंगे cos y और प्लस का cos y। ठीक है, फिर हमने क्या किया, माइनस का sin y और प्लस का sin y डिवाइड में हमारे पास क्या आएगा, cos y और प्लस का sin y और साथ में क्या आएगा, dy। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, cos y प्लस sin y को अलग कर दिया इसके नीचे, तो आप इसको लिखोगे cos y और प्लस का sin y। उसके बाद हमने लिखा cos y और माइनस का sin y डिवाइड बाय cos y और प्लस का sin y और साथ में क्या आएगा, dy, ऐसा बन जाएगा। चलिए, इससे ये कैंसिल हो गया, तो जब ये इससे कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, e रेस्ट टू पावर y बनेगा, इसका इंटीग्रेशन तो आएगा e रेस्ट टू पावर y। cos y का इंटीग्रेशन, cos y का डेरिवेटिव होता है माइनस sin y और sin y का डेरिवेटिव होता है cos y, तो कहने का मतलब नीचे फंक्शन है
और ऊपर इसका डेरिवेटिव है, ठीक है। तो नीचे फंक्शन, ऊपर डेरिवेटिव लॉग लग जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं ई रेस्ट पावर वाई लॉग ऑफ, इसको लिखेंगे तो कोस वाई और प्लस का साइन वाई, तो सेपरेट सेपरेट करके लिखिए ई रेस्ट पावर वाई, और इसको लिखेंगे तो ई रेस्ट पावर लॉग ऑफ कोस वाई और प्लस का साइन वाई। तो ई से जो लॉग है वो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आएगा कोस वाई और प्लस का साइन वाई, दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को इसका सोल्यूशन निकालना है, तो हम लोग इसका सोल्यूशन लिखते हैं। आपको मालूम ही है इस तरह की इक्वेशन का अगर मुझे सोल्यूशन लिखना पड़े तो इसका सोल्यूशन मैं लिख सकता हूं एक्स इंटू में डी वाई, और इसको लिखूंगा, सॉरी क्या लिखते हैं, एक्स इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसके बाद क्यू इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर और साथ में डी वाई, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके लिखो, तो जब आप इसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो एक्स इंटू ई रेस्ट टू पावर वाई कोस वाई और प्लस का साइन वाई, क्यू का जो वैल्यू है वो वन है, और इसको लिखूंगा तो मेरे पास आएगा ई रेस्ट टू पावर वाई, और इसकी ब्रैकेट में आएगा कोस वाई और प्लस का साइन वाई और साथ में डी वाई, ठीक है। तो आपको दिख रहा है ये तो वही रूल लग गया, ई रेस्ट टू पावर वाई और फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव, तो आपको दिख रहा है फंक्शन कौन है साइन वाई और उसका डेरिवेटिव कौन है कोस वाई, तो हम इसको लिखेंगे क्या लिखेंगे एक्स ई रेस्ट टू पावर वाई कोस वाई और प्लस का साइन वाई, इसको लिखूंगा तो मेरे पास आएगा ई रेस्ट टू पावर वाई कोस वाई डी वाई, और इसको लिखूंगा तो ई रेस्ट टू पावर वाई साइन वाई और इंटू में क्या आएगा डी वाई, ठीक है। तो फंक्शन वाले में हम लोग आईलेट रूल लगाएंगे, तो जब आप इसमें आईलेट रूल लगाएंगे तो इसका इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन, तो आप इसको लिखोगे एक्स ई रेस्ट टू पावर वाई कोस वाई और प्लस का साइन वाई, ठीक है। इसको लिखते हैं तो हमारे पास आएगा ई रेस्ट टू पावर वाई कोस वाई साथ में डी वाई, साइन वाई ऐसे का ऐसे, ई रेस्ट टू पावर वाई का ई रेस्ट टू पावर वाई इंटीग्रेशन, ई रेस्ट टू पावर वाई का ई रेस्ट टू पावर वाई, साइन वाई का कोस वाई और साथ में डी वाई, तो ये प्लस का हो गया, ये प्लस का वो माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा एक्स ई रेस्ट टू पावर वाई कोस वाई प्लस का साइन वाई, और इसको लिखूंगा तो ई रेस्ट टू पावर वाई, इसको लिखूंगा साइन वाई और प्लस का सी। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आएगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, वन प्लस का टेंजेंट वाई साथ में लिखा है डीएक्स माइनस डी वाई प्लस का टू एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो। तो हम लोगों ने क्या किया, इस वन प्लस टेंजेंट वाई को डीएक्स से मल्टीप्लाई किया, इस वन प्लस टेंजेंट वाई को डी वाई से मल्टीप्लाई किया, इसको लिखा तो टू एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट स्टेप में दोनों को उठा के इधर ले गए, दोनों में से डी वाई को कॉमन निकाला, फिर वन प्लस टेंजेंट वाई से दोनों का डिवाइड कराया वो तो वन हो गया, तो ये लिखा गया dx बाय dy, इसके नीचे आएगा तो 1 हो जाएगा, इसको लिखूंगा तो माइनस का 2x डिवाइड बाय 1 प्लस का tangent y, इसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, सो दिस विल बी dx बाय dy प्लस का px, दिस इज इक्वल टू q, तो जब हम यहां से p का वैल्यू निकालेंगे दैट विल बी 2 डिवाइड बाय 1 प्लस tan y, और q का वैल्यू निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन में p dy, तो इसको लिख सकते हैं e रेस्ट टू पावर 2 डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट वाई, टेंजेंट वाई को लिखेंगे साइन वाई बाय कोस वाई, ऊपर चला जाएगा कोस वाई को तोड़ के लिखा कोस वाई प्लस का कोस वाई, ठीक है, और सेम बनाने के लिए साइन वाई ऐड कर दिया, साइन वाई सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस वाले के नीचे अलग माइनस वाले के नीचे अलग, ये कैंसिल होगा तो वाई आ जाएगा, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव तो लॉग लग जाएगा, ई रेस्ट टू पावर वाई इंटू ई रेस्ट टू पावर लॉग कोस वाई प्लस साइन वाई, ई से लॉग कैंसिल होगा तो e रेस टू पावर वाई उसकी ब्रैकेट में आएगा कोस वाई और प्लस का साइन वाई, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। तो आप इसको लिखेंगे x into में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q into में इंटीग्रेटिंग फैक्टर साथ में dy, तो x इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है e रेस टू पावर वाई और ब्रैकेट में आ गया कोस वाई प्लस का साइन वाई, इसको लिखूंगा तो e रेस टू पावर वाई कोस वाई प्लस का साइन वाई, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो e रेस टू पावर वाई कोस वाई, इसको लिखूंगा तो e रेस टू पावर वाई साइन वाई, आईले टू लगाएंगे जो जिससे कैंसिल होता है वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा एक्स ई रेस्ट पावर वाई उसके ब्रैकेट में आएगा कोस वाई प्लस का साइन वाई, दिस इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर वाई साइन वाई प्लस का सी, ठीक है जी। तो सिंपल क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल पेपर में आ सकता है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं स्टेटमेंट लिखता हूं, आप उसको करके देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से ही करना है, ठीक है। फॉर्म बिल्कुल यही की यही है। आपसे कहते हैं सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑल्सो फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन। हम लोगों को इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो इक्वेशन हमारे पास क्या है, इक्वेशन में लिखा है टेंजेंट इनवर्स वाई और माइनस का एक्स, दिस इज डी वाई। इसको लिखूंगा तो मेरे पास आएगा वन प्लस का एक्स स्क्वायर और साथ में क्या आएगा डी एक्स। फिर हमसे दिया है कि अगर एक्स का वैल्यू जीरो है तो वाई का वैल्यू भी जीरो है, तो आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाल के दिखाना है क्या आएगा, ठीक है। तो फटाफट से करें इसको, टेंजेंट इनवर्स वाई माइनस का एक्स डी वाई, दिस इज इक्वल टू वन प्लस का एक्स स्क्वायर डी एक्स। और साथ में आपको कंडीशन भी दिया है कि अगर x का वैल्यू जीरो है तो y का वैल्यू भी जीरो होना चाहिए। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारे पास क्या आएगा, ठीक है। टेंजेंट इनवर्स y माइनस का x इंटू डी वाई, वन प्लस का एक्स स्क्वायर डी एक्स, और साथ में ऐसा भी लिख रखा है कि x का वैल्यू जीरो है तो y का वैल्यू भी जीरो है। सबसे बड़ा हिंट आपके सामने दिख रहा है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर होने का मतलब क्या है, सीधी सी बात है dx by dy वाली फॉर्म बनेगी, है ना। आपको बताया ना dy by dx plus का py is equal to q, तो अकेला y होना चाहिए। तो जब हमने देखा इसके बीच में तो अकेला y तो नजर आ नहीं रहा, तो इसका मतलब ये वाली फॉर्म तो नहीं बनेगी, दूसरी वाली बनेगी, तो dx by dy बनाते हैं। तो जब आप यहां से dx by dy वाली फॉर्म बनाएंगे तो हमारे पास आएगा टेंजेंट इनवर्स y माइनस x, इसको लिखूंगा तो मेरे पास आएगा डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको लिखेंगे तो हमारे पास आएगा dx by dy, ठीक है। तो दोनों के नीचे सेपरेट करते हैं, हमने इसको लिखा टेंजेंट इनवर्स y, ठीक है। टेंजेंट इनवर्स y डिवाइड में हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, एक बार चेक कर लो, 1 प्लस y स्क्वायर लग रहा है मुझे तो, ठीक है। देखते हैं यहां से क्या कहता है, 1 प्लस y स्क्वायर है, x स्क्वायर नहीं है, यहां पे 1 प्लस का y स्क्वायर है। टेंजेंट इनवर्स y और माइनस का x डिवाइड में हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस का y स्क्वायर, तो ऐसा बन जाएगा। इसके नीचे सेपरेट करेंगे तो 1 प्लस का y स्क्वायर, इसके नीचे सेपरेट करेंगे तो माइनस का x डिवाइड बाय 1 प्लस y स्क्वायर, और इसको लिखेंगे तो dx by dy, ये माइनस है जब इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे टेंजेंट इनवर्स y डिवाइड बाय 1 प्लस का y स्क्वायर। इसको लिखूंगा तो मेरे पास आएगा dx by dy 1 by 1 plus y square और साथ में क्या आएगा x आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहां से कंपेयर कर सकते हो, जब आप कंपेयर करेंगे तो p का वैल्यू आएगा 1 by 1 plus y square, ठीक है ना। फिर हम लोगों ने q का वैल्यू निकाला, द वैल्यू ऑफ q विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y डिवाइड बाय 1 plus y square, ऐसा बनेगा। उसके बाद हम लोगों ने इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, तो जब आप इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो e रेस्ट पावर इंटीग्रेशन में क्या आएगा पी डी वाई, तो इसको लिखूंगा तो e रेस्ट पावर 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर और साथ में क्या आएगा डी वाई। तो आपको मालूम है 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन इनवर्स वाई होता है, तो e रेस्ट पावर टेन इनवर्स वाई जो है वो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। फिर हम लोगों ने इसका सोल्यूशन निकाला, तो जब आप इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो आपको अच्छे से मालूम है, जब हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं तो सोल्यूशन में लिखेंगे x इनटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दिस विल बी इक्वल टू q मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर और साथ में dy, ठीक है। x इनटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दिस इज इक्वल टू q इनटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर और साथ में क्या आएगा dy। अब देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास है e रेस्ट पावर टेंजेंट इनवर्स y, तो यहां लिखेंगे q का वैल्यू क्या है, q का वैल्यू हमारे पास है टेंजेंट इनवर्स y डिवाइड बाय 1 प्लस y स्क्वायर और इंटीग्रेटिंग फैक्टर साथ में था e रेस्ट पावर टेंजेंट इनवर्स y, ऐसा बनेगा। तो आपको दिख रहा है टेंजेंट इनवर्स y का डेरिवेटिव है, तो हम लोगों ने इसकी राइट हैंड साइड में पुट कर दिया टेंजेंट इनवर्स y की जगह पे t, तो जब आप इसको पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 बाय 1 प्लस y स्क्वायर dy, दिस विल बी इक्वल टू dt, ऐसा बनेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं x इनटू में e रेस टू पावर टेंजेंट इनवर्स y, दिस विल बी, इसको लिखूंगा तो t आएगा, ये e रेस टू पावर t आएगा और बाकी सब कुछ किस में चला जाएगा dt में चला जाएगा, ठीक है।
उसके बाद हम लोग आईलेट रूल लगा सकते हैं, आईलेट रूल के अकॉर्डिंग इसका डिफरेंशिएशन होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा। तो आप क्या लिखोगे, डिफरेंशिएशन वाली जो टर्म है वो ऐसे की ऐसे, ई रेस टू पावर टी का इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर टी, माइनस में डेरिवेटिव वाली टर्म का डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन वाली टर्म का इंटीग्रेशन, जो भी आया उसका एक बार फिर से इंटीग्रेशन। तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स इसको लिखूंगा तो मेरे पास आएगा ई रेस टू पावर टेंजेंट इनवर्स वाई, इसको लिखूंगा तो आएगा टी ई रेस टू पावर टी माइनस का ई रेस टू पावर टी प्लस में सी। तो अभी आप यहां से क्या करेंगे, ई रेस टू पावर टी को बाहर निकाल के और टी का वैल्यू पुट कर दीजिए। जब आप इसमें टी का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ई रेस टू पावर टेंजेंट इनवर्स टी की जहां क्या रखा था, हम लोगों ने टी की यहां रखा था टेंजेंट इनवर्स वाई, और यहां भी लिख देंगे टेंजेंट इनवर्स वाई माइनस का वन और प्लस में सी। ठीक है, अब आप इसमें पुट करो, तो जब आप इसमें पुट करोगे तो पुट करने से आपको क्या मिलेगा, एक्स की जहां पे जीरो वाई की जहां पे जीरो, तो ये भी जीरो होगा। जीरो को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो ई रेस्ट पावर टेंजेंट इनवर्स जीरो तो जीरो होता है, तो ई रेस्ट पावर जीरो वन होगा। यहां पुट करूंगा तो टेंजेंट इनवर्स जीरो कितना होगा, जीरो हो जाएगा, ये माइनस का वन आ जाएगा। कहने का मतलब जीरो दिस विल बी जीरो है ना, सॉरी इसको लिखूंगा तो क्या आएगा वन, ये आएगा जीरो माइनस वन प्लस का सी। तो आप यहां से सी का वैल्यू निकालिए, सी का वैल्यू प्लस वन आ गया। इस सी की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, तो जब हम इसमें सी की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स इंटू ई रेस टू पावर टेंजेंट इनवर्स वाई। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू ई रेस टू पावर टेंजेंट इनवर्स वाई, और इसको लिखूंगा तो मेरे पास आएगा टेंजेंट इनवर्स वाई माइनस का वन, और सी की वैल्यू लिखूंगा तो सी की वैल्यू मेरे पास है कितनी, प्लस वन। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें बिखरते हैं, उन लोगों को समझ नहीं आता कि कौन सी फॉर्म बनेगा, लेकिन ये डायरेक्टली हिंट है। अगर आपके पास वाई स्क्वायर है, वाई क्यूब है, दैट मीन्स आपको सिंगल वाई तो नहीं मिल रहा, इसका मतलब डीएक्स बाई डीवाई वाली फॉर्म बनानी है। बाकी सवाल में कुछ भी नहीं है, इंटीग्रेटिव फैक्टर ई रेस्ट पावर टेन इनवर्स वाई है, इसको पुट किया, क्या लगाया, आईलेट रूल लगाया, ई रेस्ट पावर टी को बाहर निकाला तो ई रेस्ट पावर टेन इनवर्स वाई, इसको लिखूंगा तो टेन इनवर्स वाई माइनस वन प्लस का सी। तो हम लोगों ने एक्स के जहां जीरो पुट किया, वाई के जहां जीरो पुट किया, तो ये जीरो बनेगा, इसको करेंगे तो हमारे पास वन, जीरो को वन से मल्टीप्लाई किया जीरो, इसको लिखूंगा तो ये वन हो जाएगा, इसको लिखूंगा तो जीरो माइनस वन माइनस वन, तो सी का वैल्यू वन है। फिर हम लोगों ने सी के जहां पे वन पुट कर दिया तो हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है जी, तो सिंपल था, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है जी, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको अच्छे से करना है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो बहुत अच्छा सवाल है, उसके स्टेटमेंट में लिख देता हूं। सीबीएसई ने 2015 के अंदर इस क्वेश्चन को 6 मार्क्स का पूछा था। अब यहां से 6 मार्क्स का तो नहीं आएगा, लेकिन सेम क्वेश्चन आपको 4 नंबर का पेपर में देखने को मिल सकता है, इसलिए आपको इसको बिल्कुल अच्छे से करना है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं और फिर आप उसके बाद उसको ट्राई कीजिए कैसे कैसे वो क्वेश्चन होगा। ठीक है जी, तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 13 है, आपसे कहता है फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ऐसा लिखा है वन प्लस का एक्स स्क्वायर, साथ में लिखा है डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू ई रेस टू पावर एम इंटू में टेन इनवर्स एक्स माइनस का वाई, और साथ में लिखा है वाई का वैल्यू वन है तो एक्स का वैल्यू जो है वो जीरो है। ठीक है, वन प्लस का एक्स स्क्वायर डीवाई बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू ई रेस टू पावर एम इंटू टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस का वाई, और साथ में कहते हैं एक्स का वैल्यू जीरो है और वाई का जो वैल्यू है वो कितना है, वन है। ठीक है, तो आपको साफ दिख रहा है यहां पे सिंगल वाई है, इसका मतलब डीवाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई वाली फॉर्म बनेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले आप इसको ऐसा लिखोगे वन प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, इस माइनस वाई को जब मैं इधर लेके आऊंगा तो प्लस का वाई हो जाएगा, इसको लिखूंगा तो ई रेस टू पावर एम इंटू टेंजेंट इनवर्स एक्स, तो ऐसा बन जाएगा। उसके बाद डीवाई बाई डी एक्स के कोफिशिएंट को वन बनाना है, उसके लिए हमने इसको दोनों तरफ वन प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, सो दिस विल बी प्लस का वाई ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसको लिखूंगा तो e रेस टू पावर m इंटू टेन इनवर्स x डिवाइड बाय 1 प्लस का x स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। ठीक है,
उसके बाद आप क्या करेंगे, बिल्कुल वही वाली फॉर्म आ रही है, अब आप इसको कंपेयर कीजिए। तो जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करके हमें क्या मिलेगा, दिस विल बी डी वाई बाय डी एक्स प्लस का पी वाई, दिस इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो भाई देखो p का वैल्यू क्या निकलेगा, द वैल्यू ऑफ p विल बी 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर, और जो q हमारे पास है उसका वैल्यू है e रेज टू पावर m इनटू tan इनवर्स x डिवाइड बाय 1 प्लस का x स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो e रेज टू पावर इंटीग्रेशन में pdx, सो e रेज टू पावर 1 बाय 1 प्लस का x स्क्वायर और साथ में dx, तो 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स x, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e रेज टू पावर tan इनवर्स x। ठीक है, फिर हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन निकाला, तो जब आप इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो इसके सॉल्यूशन में हमारे पास क्या आएगा, आप इसको लिखोगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर और साथ में dx। ठीक है, so y into में e raise to power tangent inverse x ऐसा बन जाएगा, और इसको लिख सकते हैं जो हमारे पास q है उस q में हमारे पास क्या लिखा है, e raise to power m tangent inverse x divided by 1 plus का x square। ठीक है, और साथ में क्या लिखा है, e raise to power tangent inverse x और साथ में dx, ऐसा बन जाएगा। आपको साफ दिख रहा है कि tan inverse x का derivative पड़ा है, तो हम लोगों ने tan इनवर्स x को t पुट कर दिया, सो 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर dx, दिस विल बी dt, इसका ये सारा सामान जो है वो dt बन जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं y into e रेज टू पावर tangent इनवर्स x। ठीक है, ऐसा बनेगा ना। चल भाई अब इसकी तरफ चलते हैं, इसकी गाड़ी पकड़ते हैं, तो आप इसको लिखोगे e रेज टू पावर mt और इसको लिखूंगा तो e रेज टू पावर t और साथ में क्या आएगा dt। मल्टीप्लाई में अगर हमारे पास बेस सेम होता है तो इसकी पावर ऐड हो जाती है, तो हम इसको लिखेंगे e रेस्ट पावर m प्लस का 1 और साथ में t और फिर क्या आएगा dt, ऐसा बन जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं y इंटू में e रेस्ट पावर टेंजेंट इनवर्स x, ऐसा बनेगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा e रेस्ट पावर m प्लस का 1 इंटू t डिवाइड बाय m प्लस का 1 और प्लस का सी, ऐसा बन जाएगा। ठीक है जी, अब आप यहां से टी की वैल्यू लगाइए और टी की वैल्यू लगाने के बाद जो उसमें दे रखा है उसको पुट करते हैं। तो हमने सबसे पहले पुट किया वाई इंटू में ई रेस टू पावर टेंजेंट इनवर्स एक्स ई रेस टू पावर एम प्लस का वन, टी के जहां पे लिखेंगे टेंजेंट इनवर्स एक्स डिवाइड बाई एम प्लस का वन और प्लस में सी। अब आप यहां पुट करो एक्स की जहां जीरो और वाई की जहां वन, जब आप x की जहां 0 पुट करोगे y की जहां 1 पुट करोगे तो ये 1 आएगा, e रेस्ट पावर टेंजेंट इनवर्स 0 करेंगे तो 0 ही होएगा, इसको लिखेंगे तो e रेस्ट पावर m प्लस 1 टेंजेंट इनवर्स 0 0 डिवाइड बाय m प्लस का 1 और प्लस का c। ठीक है, तो जब हम यहां से देखेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, आप इसको लिख सकते हो दिस विल बी इक्वल टू 1, e रेस्ट पावर 0 करेंगे तो e रेस्ट पावर 0 हमारे पास 1 होता है, तो 1 बाय m प्लस 1 और इसको लिखूंगा तो c, तो यहां से c का वैल्यू निकलेगा 1 माइनस 1 बाय m प्लस 1, m प्लस 1 माइनस m डिवाइड बाय m प्लस 1 कैंसिल होगा, जब कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बनेगा 1 बाय m प्लस 1, तो जो हमारे पास c है c का वैल्यू आएगा 1 बाय m प्लस 1, तो उसको पुट कर दीजिए। तो जब आप उसको पुट करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन आएगा y इंटू में e रेस टू पावर टेंजेंट इनवर्स x। ठीक है, और उसको उठाएंगे तो हमारे पास आएगा e रेस टू पावर m प्लस का 1 टेंजेंट इनवर्स x डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में आएगा m प्लस का 1, और जो c हमने निकाला उस c का वैल्यू भी कितना है 1 बाय m प्लस का 1। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आएगा, अच्छे से आप चेक कर लीजिए, बिल्कुल सेम टू सेम यही आंसर दे रखा है, y into में m plus 1 e raise to power 10 inverse x e raise to power m plus 10 inverse x और plus का कुछ ना कुछ constant है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है, 1 by m plus 1 था। ठीक है, तो m plus 1 और यहां क्या आएगा minus 1 आएगा, तो minus 1 आएगा तो 1 से 1 कटेगा और 1 से 1 कटेगा तो m by m plus 1, अब इसको चेंज कर लेना यहां पे,
तो ये हो जाएगा m बाय m प्लस 1, ठीक है। तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हमारे पेपर में पूछा जा चुका है, अब भी पूछा जा सकता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। 1 प्लस का x के dy by dx, this is equal to e raise to power m tangent inverse x माइनस का y, फिर आपसे क्या बोलता है x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस का x के dy by dx इधर आएगा, तो प्लस का y, इसको लिखूंगा तो e raise to power m into tangent inverse x, उसके बाद 1 प्लस x के से डिवाइड किया, p को कंपेयर करेंगे तो 1 by 1 plus x के, q की वैल्यू लिखेंगे तो e raise to power m into tan inverse x डिवाइड बाय 1 प्लस 6 के, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी e रेस्ट टू पावर इंटीग्रेशन में pdx, तो e रेस्ट टू पावर इंटीग्रेशन में 1 बाय 1 प्लस 6 के dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो tan इनवर्स x, आगे इसको पुट किया, इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करके जब आप यहां से c का वैल्यू निकालेंगे, द वैल्यू ऑफ c विल बी इक्वल टू m बाय m प्लस 1, उसको पुट कर दिया, सो द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय y इनटू में e रेस्ट टू पावर टेंजेंट इनवर्स x is equal to e raise to power m plus 1 tangent inverse x divided by m plus 1 or plus ka m divided by m plus ka 1. Most important question is CBSE point of view. Next question ki toh chalte hai, question number 14. Jo question number 14 hai, wo bahut important hai, aap usko dhyan se karenge, kyunki humare paper mein puchha jo tu hai, CBSE mein 2016 ke, ek code 2016 ke mein tha, aur ek jo question hai, wo 2014 ke sample paper mein tha. तो दोनों के दोनों पार्ट जो हैं वो बहुत अच्छे हैं और आपको इनको बिल्कुल अच्छे से और ध्यान से करना है, ठीक है, क्योंकि ये यही क्वेश्चन पेपर में आते हैं इस तरह के नकली नकली से बिल्कुल, बस एक बार इंटीग्रेशन आना चाहिए, इंटीग्रेशन समझ में आ गया तो आप समझ लेना ये वाले जो क्वेश्चंस हैं वो अपने आप से हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है उसके बीच में, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है, पहले हम सीबीएसई वाला करेंगे फिर सैंपल पेपर वाला करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट देखते हैं सबसे पहले, उसमें हमारे पास लिखा था dy by dx दिस विल बी इक्वल टू माइनस का x प्लस का y cos x डिवाइड बाय 1 प्लस का sin x, ठीक है, और हमें यह रखा है कि अगर y का वैल्यू 1 है तो x का वैल्यू 0 है, तो हम लोगों को इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो आपसे क्या कहते हैं dy by dx दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस का y इनटू में क्या आएगा cos x आएगा, और फिर आपसे क्या कहता है डिवाइड बाय 1 प्लस का sin x आएगा, ठीक है। फॉर्म तो हमें साफ दिख रही है बिल्कुल कि dy by dx वाली फॉर्म बनेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं दिस विल बी dy by dx, इसको लिखेंगे तो माइनस का x डिवाइड बाय 1 प्लस का sin x, और इसको लिखूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, इससे आगे जाएगा तो आप इसको लिख देना प्लस का y माइनस का cos x डिवाइड बाय 1 प्लस का sin x, ऐसा बनेगा ना, ठीक है। उसके बाद हम इसको इधर लेके आएंगे, तो जब हम लोग इसको इधर लेके आएंगे तो हमारे पास क्या होगा, हम इसको लिख पाएंगे दिस विल बी dy by dx, ये माइनस का है, जब ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का cos x डिवाइड बाय 1 प्लस का sin x और साथ में y, ऐसा बनेगा, और इसको लिखेंगे तो माइनस का x डिवाइड में क्या आएगा 1 प्लस का sin x, ऐसा बन जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा है। चलिए अब आप इसको कंपेयर करते हैं, तो जब आप इसको लिखोगे तो हमारे पास क्या आएगा दिस विल बी dy by dx प्लस का py दिस इज इक्वल टू q, ऐसा बनेगा, तो p का वैल्यू हो जाएगा cos x डिवाइड बाय 1 प्लस का sin x, और जो q हमारे पास है दैट इज माइनस x डिवाइड बाय 1 प्लस का sin x, ऐसा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उसके बाद हम लोगों ने इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, तो जब आप इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिस विल बी इक्वल टू e रेस टू पावर इंटीग्रेशन में pdx, सो e रेस टू पावर इंटीग्रेशन में cos x डिवाइड में 1 प्लस का sin x और साथ में dx, तो हम देख सकते हैं नीचे हमारे पास फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है तो लॉग लग जाएगा, सो दिस विल बी e रेस टू पावर, इसको लिखूंगा लॉग, और फिर हमारे पास ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस का sin x, तो e से लॉग कैंसिल होगा, और जब e से लॉग कैंसिल होगा तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा 1 प्लस का sin x, ठीक है जी, सिंपल बिल्कुल। चलिए उसके बाद क्या निकालेंगे सॉल्यूशन, तो आपको भरपूर मात्रा में अच्छे से पता है कि जब हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो इसका सॉल्यूशन होता है
इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दिस विल बी क्यू मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर और साथ में क्या आएगा डीएक्स। तो हम लोग यहां से लिखेंगे y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू है 1 प्लस का साइन x, जो यहां पे q है उस q का वैल्यू है माइनस का x डिवाइड बाय 1 प्लस का साइन x, और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास है 1 प्लस का साइन x, और इसको लिखूंगा तो हमारे पास dx आ जाएगा। तो 1 प्लस साइन x से 1 प्लस का साइन x जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अगर ये कैंसिल हो गया तो हम इसको लिख सकते हैं y इंटू में 1 प्लस का साइन x माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर बाय 2 और प्लस का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल आसान है। चलिए अब इसका कंडीशन पुट करते हैं, एक्स की जहां 0 वाई की जहां पे 1, तो 1 1 प्लस का साइन 0, इसको लिखूंगा तो माइनस का 0 स्क्वायर बाय 2 प्लस का सी, तो इसको लिखूंगा 1 इंटू में 1 प्लस का 0, इसको लिखूंगा तो सी का वैल्यू निकल के आएगा, सो द वैल्यू ऑफ सी विल बी इक्वल टू 1। तो c की वैल्यू को पुट करेंगे, तो जब आप c की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा y इंटू में 1 प्लस का साइन x, इसको इधर ले आओगे तो x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, और c की जहां पे 1 पुट कर देंगे। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, dy / dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस का y cos x डिवाइड बाय 1 प्लस का साइन x। आपसे क्या कहता है, y का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 0 है, तो सबसे पहले उठा के इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये तो माइनस का है ही। तो p का वैल्यू है cos x डिवाइड बाय 1 प्लस sin x, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव log लग गया, e से log कैंसिल हो गया तो 1 प्लस का sin x आ गया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने सॉल्यूशन निकाला, सो y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दिस विल बी q मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर साथ में dx, इसको लिखूंगा तो माइनस x डिवाइड बाय 1 प्लस का sin x, ये भी 1 प्लस का sin x कैंसिल हो गया, तो माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस का सी, वैल्यू पुट किया तो सी का वैल्यू 1 आएगा, इस सी की वैल्यू को 1 यहां पुट कर देंगे तो हम लोगों का सॉल्यूशन निकल आएगा। ठीक है जी, तो सिंपल और आसान था, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से भी समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे, मैं उसकी स्टेटमेंट आपको लिख के दे रहा हूं, फटाफट से लिखे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमसे क्या कहता है, कोस एक्स और फिर साथ में लिखा है डी वाई, दिस इज इक्वल टू क्या लिखा है हमारे पास साइन एक्स, और फिर लिखा है कोस एक्स माइनस का टू वाई और साथ में डी एक्स, और फिर आपसे कहता है वाई का वैल्यू जीरो है, अगर वाई का वैल्यू जीरो है तो एक्स का जो वैल्यू हमारे पास है वो पाई बाई थ्री। ठीक है, जो वाई है उस वाई का वैल्यू जीरो है और जो एक्स हमारे पास है उसका वैल्यू पाई बाई थ्री है, तो हम लोगों को इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है। सो कोस एक्स इनटू डीवाई और साथ में क्या कहते हैं इज इक्वल टू साइन एक्स इनटू में कोस एक्स माइनस का टू वाई और साथ में डीवाई, है ना, और आपसे कहते हैं एक्स का वैल्यू पाई बाई थ्री है और वाई का वैल्यू कितना है जीरो है। तो सबसे पहला काम हमारे पास क्या है, इसमें देखते हैं क्या था, डीवाई और डीएक्स, है ना, पहले वाले के साथ डीवाई है और लास्ट वाले के साथ डीएक्स है, यहां पे हमारे पास dx है और यहां पे हमारे पास dy है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आपको सिंगल y नजर आ रहा है, अगर आपको सिंगल y नजर आ रहा है तो सीधी सी बात है हमारे पास क्या बनेगा, dy by dx वाला फॉर्म बनेगा, तो हम लोगों ने dy by dx वाला फॉर्म बनाया, तो हम इसको लिख सकते हैं cos x, इसको लेके आऊंगा तो dy by dx, इसका मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा sin x cos x, और इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का टू साइन एक्स और साथ में वाई, इस माइनस वाले को इधर लेके आओ तो हम इसको लिखेंगे कोस एक्स डी वाई बाय डी एक्स, ये इधर आएगा तो प्लस का टू साइन एक्स इंटू वाई, और इसको लिखूंगा तो मेरे पास आएगा साइन एक्स इंटू में कोस एक्स, ऐसा बन जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स के कोफिशियंट को जैसे हम एज यूजुअल वन बनाते हैं तो cos x से डिवाइड करेंगे, तो जब आप इसको cos x से डिवाइड करेंगे तो dy by dx, इसको लिखूंगा तो आएगा चुनमुन चुनमुन सा 2 sin x by cos x into में y, और इसको लिखूंगा तो मेरे पास आएगा sin x by cos x और डिवाइड में cos x, तो cos x से cos x कट जाएगा, तो हम लोग इसको कंपेयर करके वैल्यू निकालेंगे, तो आप इसको लिखोगे dy by dx प्लस का py, दिस विल बी इक्वल टू q, तो जब हम यहां से p की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 2 sin x
डिवाइड बाय कोस एक्स, और जब हम यहां से क्यू की वैल्यू निकालेंगे द वैल्यू ऑफ क्यू विल बी साइन एक्स। फिर हम लोगों ने इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, तो ई रेस टू पावर इंटीग्रेशन में पीडीएक्स, तो इसको लिखेंगे ई रेस टू पावर टू को बाहर निकाल लो तो हमारे पास आएगा साइन एक्स बाय कोस एक्स और साथ में डीएक्स। तो आप देख सकते हो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव बन सकता है, माइनस का कमी है तो माइनस से मल्टीप्लाई माइनस से डिवाइड, तो भाई नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो हम इसको लिखेंगे ई रेस टू पावर माइनस का टू लॉग और साथ में क्या आएगा कोस एक्स, तो ये माइनस टू पावर ऊपर चली जाएगी तो हम इसको लिख सकते हैं ई रेस टू पावर लॉग और इसको लिखूंगा तो कोस एक्स रेस टू पावर माइनस टू, तो ये कैंसिल हो गया। इसको लिखूंगा तो मेरे पास आएगा वन बाय कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आ गया सीकेंट स्क्वायर एक्स। उसके बाद हम लोगों को इसका सोल्यूशन लिखना है, सोल्यूशन लिखना बिल्कुल सरल है, तो आप लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है, y मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन में q मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर और साथ में dx, तो हम इसको लिखेंगे y 1 बाय cos के x होता है secant square x, और इसको लिखूंगा तो मेरे पास आएगा 1 बाय cos के x इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, और जो q हमारे पास है उस q का वैल्यू हमारे पास है sin x, तो बिल्कुल सिंपल है, तो हम इसको लिख सकते हैं y इनटू में secant square x, इसको लिखेंगे तो साइन एक्स बाय कोस एक्स और इसको लिखेंगे तो वन बाय कोस एक्स और साथ में डीएक्स, ठीक है। तो अब ये बन जाएगा वाई इंटू में सीकेंट स्क्वायर एक्स, साइन एक्स बाय कोस एक्स को लिखेंगे तो टेंजेंट एक्स, वन बाय कोस एक्स को लिखेंगे तो सीकेंट एक्स। फिर आपको अच्छे से मालूम है सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन होता है कितना, सीकेंट एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं वाई इंटू में सीकेंट स्क्वायर एक्स, this will be equal to secant x or plus में c। अब आप वैल्यू पुट कीजिए, x की जहां पाई बाय थ्री, y के जहां जीरो, तो जीरो secant square पाई बाय थ्री, इसको लिखूंगा तो secant of पाई बाय थ्री प्लस का c, जीरो को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, secant 60 का वैल्यू टू होता है, this will be plus का c, so the value of c will be equal to minus टू, ठीक है। जो c हमारे पास होगा उसका वैल्यू माइनस टू आएगा, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसके सॉल्यूशन में हम यहां पुट करेंगे तो आपके पास आएगा वाई इंटू में सीकेंट स्क्वायर एक्स, दिस विल बी इक्वल टू सीकेंट एक्स और सी का वैल्यू है माइनस टू, सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा, जिसमें आपसे कहता है क्या वाई इंटू में सीकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स और माइनस का टू, ठीक है जी। अच्छे से देख लीजिए, बिल्कुल आसान सा और बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर शांति से करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाता है। cos x into dy this is equal to sin x into में cos x minus का 2y, तो हम लोगों ने सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा sin x cos x minus का 2 sin x into y और dy by dx बनाया, फिर हमने इसको कंपेयर किया तो p का वैल्यू आया 2 sin x by cos x, तो माइनस से मल्टीप्लाई माइनस से डिवाइड, तो हमारे पास बनेगा e रेस टू पावर माइनस का 2 लॉग cos x, ये माइनस 2 ऊपर जाएगा तो 1 बाय cos square x आएगा, तो 1 बाय cos square x होगा secant square x, सो y into secant square x, secant x tangent x का इंटीग्रेशन secant x, x की जगह पे पाई बाय 3, y की जगह पे 0, c का वैल्यू माइनस 2 पुट किया, हमारे पास सॉल्यूशन आ गया, ठीक है जी। तो सिंपल और आसान क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 15। तो एग्जाम्पल नंबर 15 का जो हमारे पास थर्ड पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सीबीएसई के 2018 के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, तो आप लोग उसको करेंगे, ठीक है जी। तो फटाफट से पहले इसकी स्टेटमेंट लिख देते हैं, फिर बाद में इसको पूरा रब करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखिए, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपसे कहता है थर्ड पार्ट हमारे पास है 15th क्वेश्चन का, उसमें लिखा है वाई इंटू में ई रेस टू पावर वाई डी एक्स, this will be equal to y का क्यूब प्लस का 2x e raised to power y और साथ में dy, और फिर क्या कहते हैं y जीरो के ऊपर 1 है, अगर x का वैल्यू जीरो है तो y का जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 है, हम लोगों को इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो फटाफट से सोचिए और सोच के बताइए कि हम लोगों को क्या करना चाहिए इसके बीच में, y इंटू में e रेस टू पावर y dx, दिस विल बी इक्वल टू y का क्यूब
प्लस में 2x इंटू ई रेस टू पावर वाई और साथ में क्या है dy, और फिर आपसे कहते हैं अगर y का वैल्यू 0 है, सॉरी y का वैल्यू 1 है तो x का वैल्यू कितना है 0 है। ठीक है, करें शुरू इसको। चलिए जी, सबसे पहला हिंट, y का क्यूब आ रहा है, सिंगल x आ रहा है, तो dx by dy वाली फॉर्म बनेगी। तो हम लोगों ने dx by dy वाला फॉर्म बनाया, आपने इसको लिखा y into e raise to power y, इसको इधर लेके आएंगे तो dx by dy, ये इधर आएगा तो माइनस का 2x e raise to power y एंड दिस विल बी इक्वल टू y का क्यूब। ठीक है, उसे y into e raise to power y से डिवाइड करेंगे तो आप इसको लिखोगे माइनस का 2x e raise to power y डिवाइड बाय, इसको लिखेंगे तो y e raise to power y, इसको लिखेंगे y का क्यूब डिवाइड में क्या आएगा y और साथ में क्या आएगा e raise to power y। ठीक है, सिंपल है। चलिए तो हम इसको लिख सकते हैं dx by dy माइनस e raise to power y से e raise to power y कट गया, इसको लिखूंगा तो मेरे पास आएगा माइनस का 2 by y into x, इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा y square और डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में हमारे पास आएगा e raise to power y। फिर आप इसको कंपेयर करो dx by dy प्लस का px, दिस इज इक्वल टू q, ऐसे ही आएगा ना, px इज इक्वल टू q। तो आप यहां से कंपेयर करेंगे तो जब आप यहां से कंपेयर करेंगे तो p का वैल्यू आएगा माइनस का 2 by y और q का वैल्यू आएगा y स्क्वायर e raise to power y। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, तो जब आप इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन में e raise to power पी डी वाई, तो हम इसको लिख सकते हैं ई रेस्ट पावर इंटीग्रेशन में माइनस का 2 बाय वाई इंटू डी वाई, इसको लिखूंगा ई रेस्ट पावर माइनस का 2 लॉग वाई, ई रेस्ट पावर लॉग वाई रेस्ट पावर माइनस 2, इसको लिखेंगे तो 1 बाय वाई स्केयर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने इसका क्या निकाला, सोल्यूशन निकालना। तो जब आप इसको इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा x मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दिस विल बी q मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर और साथ में क्या आएगा dy, तो हम इसको लिख सकते हैं दिस विल बी x डिवाइड बाय y का स्क्वायर, यहां लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास q की वैल्यू है y स्क्वायर डिवाइड बाय e रेस टू पावर y और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 बाय y स्क्वायर और साथ में dy, तो y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल होगा, इसको लिख सकते हैं x बाय में y स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो e रेस्ट पावर माइनस y और साथ में dy, तो हम इसको लिख देंगे x बाय में क्या आएगा y स्क्वायर e रेस्ट पावर माइनस y का e रेस्ट पावर माइनस y, माइनस y का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस का 1 और प्लस में क्या आएगा c आ जाएगा। ठीक है, इस y स्क्वायर को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास आएगा x, दिस विल बी माइनस का y स्क्वायर डिवाइड बाय e रेस टू पावर y और इसको लिखूंगा तो प्लस का c इनटू में क्या आएगा y स्क्वायर, तो आप देख सकते हो y का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 0 है, पुट करो x की जहां पे 0, y की जहां पे भी y की जहां पे कितना रखेंगे y की जहां पे 1, तो 1 स्क्वायर e रेस टू पावर 1, इसको लिखूंगा तो c इनटू में 1 का स्क्वायर, तो ये माइनस का 1 बाय e जब उधर जाएगा तो प्लस का 1 बाय e, तो यहां से c का वैल्यू निकल के आएगा, the value of c will be equal to 1 by e, इस c की वैल्यू को पुट कर देंगे तो जब आप इस c की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा x, this will be minus का y square divided by e raised to power y, इसको लिखूंगा c की वैल्यू है 1 by e और ये क्या है 1 by y square। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो required solution आएगा इस differential equation का। ठीक है, ये हमारे पास इस रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन होगा, बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल आसान स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, e रेस टू पावर माइनस वाई आएगा। ठीक है, इसको चेक भी कर लेते हैं एक बार, वैसे सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बिल्कुल सही है, यही आंसर है सेम टू सेम। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई लंबी चौड़ी कहानी तो है नहीं इसके बीच में। ठीक है, तो कर सकते हैं इसको, तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इनफैक्ट जितने भी क्वेश्चन आपको इस लेक्चर में समझाए गए वो सारे के सारे आपको अच्छे से समझ में आए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है, कोई भी डाउट रह जाता है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, जल्दी से जल्दी आपकी समस्या का पूरा समाधान करने की कोशिश की जाएगी। और अगर आपको हमारी वीडियोस यूजफुल लगती हैं
तो प्लीज अपने फ्रेंड सर्कल में उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट जो है इसका बेनिफिट उठा सके, ठीक है। और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स ही हम लोगों को और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है, ठीक है। तो इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए, हमारा रिजल्ट बहुत बेहतरीन होने वाला है, ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और आप कह सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में इतना ही, आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, एक्सरसाइज में और क्वेश्चंस हैं आप उनको भी प्रैक्टिस कीजिए, वो बिल्कुल सिंपल सिंपल है, वो आपको अपने आप से करना है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे वेक्टर्स के साथ, नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर हमारा 12 चैप्टर होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीबीएसई और मेंस के लिए। अगले वाले दो चैप्टर हैं वेक्टर और 3D, वो आपस में इंटर रिलेटेड है, आप अच्छे से पढ़िएगा, मेरा प्रॉमिस है, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो जेईई मेंस हो, और चाहे वो सीबीएसई का पेपर हो, अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो 100% गारंटी है कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है जी। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, इसी प्रकार हमारे से जुड़े रहिए, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।